नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं इतिहास के पिटारे से निकाली गई कहानियाँ। आज 31 दिसंबर है, ये तारीख जुड़ी है चार्टर से जिसके तहत एक कंपनी की स्थापना हुई थी। व्यापार करने के इरादे से बनाई गई ये कंपनी बाद में अपना राज चलाने लगी। उन्होंने अपनी एक सेना तक बना ली। एक समय में इसका सिक्का ब्रिटिश सरकार से भी ज़्यादा बोलने लगा था। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं। ये कहानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। ये सब शुरू हुआ है एज ऑफ डिस्कवरी से, 15वीं सदी की शुरुआत से 17वीं सदी तक का समय, जब यूरोप के देश अपनी सीमाओं से बाहर निकले। नई जमीन की तलाश में उनकी ये सारी यात्राएं हुई अपने अपने हितों को साधने के लिए। किसी को व्यापार में मुनाफा कमाना था, कोई नए मुल्कों को अपना गुलाम बनाना चाहता था, तो किसी को संपत्तियों की लूट करनी थी। स्केल पर व्यापार या लूट समंदर के रास्ते ही संभव थी। यूरोप के देश जहाज़ों को बेहतर बनाने पर काम करने लगे। उन्होंने समंदर में सफ़र करने को आसान बनाने पर खूब जोर दिया। इस प्रोसेस में पुर्तगाल सबसे आगे था। वहीं का एक जहाज़ वास्को डी गामा सन 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचने में कामयाब रहा। समंदर के रास्ते भारत तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन यात्री। हालांकि वहां उसका स्वागत नहीं हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब वास्को डी गामा को स्थानीय लोगों से लड़ाई करनी पड़ी। उसके कई साथियों की हत्या हो गई। वास्को डी गामा को जान बचाकर वापस भागना पड़ा। 3 साल बाद वो वापस आया और इस बार उसने बदला लिया। वो पुर्तगालियों को भारत में बसाकर ही उसने दम लिया। वास्को डी गामा से पहले भी कई जहाज़ियों ने भारत पहुंचने की कोशिश की थी। मसलन कोलंबस रास्ता भटककर अमेरिका पहुंच गया। कई जहाज़ी तो समंदर में ही खो गए, उनका कभी पता नहीं चल सका। कई समुद्री लुटेरों का शिकार बन गए। इसके बावजूद मिशन ऑन रहा। आप ये पूछ सकते हैं कि यूरोप को एशिया के इस हिस्से में यानी कि हमारे हिस्से में इतनी दिलचस्पी क्यों थी, वो इतना कुछ गंवा कर भी यहाँ कब्जा क्यों करना चाहते थे। सबसे बड़ी वजह थी मसाले। यूरोप में मसाले उपजते नहीं थे, उनके लिए मसाले सोने से भी ज़्यादा कीमती थे। पुर्तगालियों ने इस खाई को पाट दिया। फिर इस खेल में स्पेन भी शामिल हुआ। पुर्तगाल और स्पेन का एक तरफा राज चलने लगा और फिर आया साल 1588 का। इस साल एक लड़ाई हुई, निर्णायक लड़ाई। स्पेन के राजा थे फिलिप द्वितीय। उन्होंने 130 जहाज़ों वाली नौसेना तैयार की थी, आधुनिक गोला बारूदों से लैस। इसका नाम था इनविंसिबल अर्माडा, हिंदी में कहें तो अजय अर्माडा। फिलिप द्वितीय ने इंग्लैंड पर हमला करने का हुक्म दिया। स्पेन की नौसेना उस दौर में सबसे ताकतवर थी, लेकिन उस साल उनकी किस्मत दगा दे गई। अजय अर्माडा पराजित हो गई। समंदर में स्पेन के एकाधिकार पर गहरी चोट लगी। स्पेन दबा और इंग्लैंड को आगे निकलने का रास्ता मिल गया। सन 1600 का साल आता है। इसके बाद बरस का अंतिम दिन 31 दिसंबर को कुछ अंग्रेज व्यापारी महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मिलने पहुंचते हैं। उन्होंने भारत के साथ व्यापार की इच्छा प्रकट की। वो ज़रूरी रकम लगाने के लिए भी तैयार थे। खुद महारानी ने परमिशन दे दी। एक चार्टर लाया गया, इसके जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ाई करने, सेना रखने और हमला करने का अधिकार भी ले लिया इस चार्टर के तहत। अपने देश में परमिशन तो मिल गई, अब उन्हें भारत में अपनी ज़मीन तैयार करनी थी। इसके लिए रेकी की गई। कई सालों तक मुआयना चला। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर। वो मुगल बादशाह जहांगीर से मिला। वो 3 साल तक जहांगीर के साथ रहा। फिर उसे सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी नींव रखी। इसके बाद उन्होंने मुगल बादशाहों से रिश्ते बनाने शुरू किए। उन्हें टैक्स में छूट के लिए राजी किया, नई जगहों पर फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त ली। उन्होंने फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती भी की। इन सब सुविधाओं के बदले कंपनी बाहरी आक्रमण से मुगलों को बचाने के लिए राजी हुई उस समय। ये एक चाल थी जो आगे चलकर भारत को गुलाम बनाने का आधार बनती है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का कद बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य पतन की तरफ था। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। वो आखिरी काबिल बादशाह साबित होता है। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में रखा था। उसके बाद के बादशाह अय्याशी और आपसी लड़ाई में व्यस्त रहे। उन्होंने कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। 1750 के दशक में बंगाल सबसे धनी राज्य होता था। आज से कंपेयर करके देखें तो कितना अजीब लगता है। मुगल साम्राज्य का आधा राजस्व वहीं से आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी लंबे समय से इस पर नजरें गड़ाई थी। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। उन्होंने कंपनी को हद में रहने की चेतावनी दी। कंपनी ने मीर जाफर के साथ संधि कर ली गुप्त रूप से। जून 1757 में
प्लासी का युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीत लिया। सिराजुद्दौला को कैद कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को कठपुतली बनाकर बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया गया। कंपनी ने बदले में मालगुजारी वसूल की। मीर जाफर जब अपने ही जाल में फंस गया, उसने पीछे छुड़ाने की सोची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी ने सीधे शासन करना शुरू किया। वो ब्रिटिश सरकार की एक तरह से मैनेजिंग एजेंसी बन गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीति का स्वाद लग चुका था। आने वाले सालों में भारत के अधिकांश हिस्सों पर इस कंपनी का राज हो गया। स्थानीय शासक बतौर एजेंट काम कर रहे थे। टैक्स का अधिकतर हिस्सा कंपनी के पास पहुंचता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2.5 लाख सैनिकों की सेना थी। ये बहुत बड़ा नंबर है उस समय के हिसाब से। कंपनी जो चाहती वो करवाती थी इस सेना के बल पे। उस वक्त एक मशहूर कहावत चलती थी, दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। बीच बीच में अंग्रेज़ों का विरोध भी हुआ। टीपू सुल्तान और मराठा वीरों ने कंपनी को तगड़ी टक्कर दी, लेकिन कंपनी बहादुर हमेशा बीस साबित हुई। सबसे बड़ा विरोध सामने आया 1857 में, पहले स्वाधीनता संग्राम के रूप में, जब देश के कई हिस्सों में बगावत शुरू हुई। कंपनी ने इस विद्रोह को कुचल दिया। बड़ी बेरहमी से हजारों लोगों को मारा गया। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। असंतोष की आग लगातार फैल रही थी। ब्रिटेन में सरकार को लगा इस तरह से बहुत दिन तक शासन चल नहीं पाएगा कंपनी का। इसीलिए 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाकर ब्रिटिश सरकार ने शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। कंपनी की सेना का ब्रिटिश सेना में विलय कर दिया गया। सन 1874 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। आज की तारीख में बस इतना ही। नए साल में नई तारीख, नए किरदार, नए किस्सों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। तारीख की इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी अभिषेक ने और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी राशिद ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप।